तो जस्टिस से शुरुआत करेंगे, ठीक है, कि पहले जस्टिस होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन सोसाइटी की, मानव समाज की बात करें, तो उसमें जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसकी हमेशा से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रही है। हमने अगर हम बात करें 16th 17th सेंचुरी, 18th 19th 20th सेंचुरी, तो हमने वहां पर बहुत सारे स्ट्रगलिंग पीरियड्स देखे हैं, स्ट्रगलिंग मोमेंट्स देखे हैं, लोगों में एक भावना देखी है आजादी के लिए। और ये जो हमारी डिमांड रही है हमेशा से कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो एक्चुअली स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो हमने देखा है वो दरअसल में वो स्ट्रगल फॉर जस्टिस था, कि लोगों की डिमांड थी कि उनको हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। तो जस्टिस का मतलब होता है कि वह डिमांड जो सोसाइटी में वैल्यूज हैं और सोसाइटी में कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट की जा सके, ठीक है। मगर अगर हम बोलते हैं कि मैन आस्क फॉर मैनी डिमांड्स, क्योंकि एक व्यक्ति है उसकी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी उसकी डिमांड होगी वो जस्ट डिमांड होगी, JUST, जस्ट डिमांड मतलब फेयर डिमांड होगी। अगर मान लो एक ड्रंकर्ड है, वो ड्रिंक की डिमांड करता है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। इंडिविजुअल की नजर में ये हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, उस वक्त के लिए ये न्याय की परिभाषा में फिट बैठता हो। ऐसे ही एक अगर स्टूडेंट है तो वो एग्जाम्स के दौरान वो कहता है कि मुझे नकल मारने को, है ना, इफ ही आस्क फॉर चीटिंग, तो उसके लिए उस वक्त वो इसको मतलब जस्टिस बोल देगा कि हाँ मेरा इसमें फायदा हो रहा है तो मैं इसको जस्टिस बोल दूंगा। बट एक्चुअली में क्या है, जो सोसाइटी में नॉर्म्स है, कुछ सिद्धांत है, कुछ कस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जस्टिस या जस्ट या फेयर नहीं बोल सकते। ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जो समाज की वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें देखोगे कि चेंजेस आते रहते हैं, और जो हालात होते हैं उसमें भी समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जिसको हमने आज जस्टिस बोला है कल भी हम उसी को जस्टिस बोलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एंशियंट सोसाइटी की, प्राचीन समय में क्या होता था कि मतलब एक ही व्यक्ति बहुत सारी शादियां कर सकता था, मतलब बहुत सारी बीवियां रखने का एक ट्रेंड था। उस वक्त इसको हम जस्टिस बोलते थे, क्योंकि उस वक्त उस सोसाइटी में इसको गलत नहीं माना जाता था। मगर अगर हम बात करें 2020 की, वहां पर अगर एक व्यक्ति की चार बीवियां हैं या चार से ज्यादा बीवियां हैं, तो क्या हम इसको बोलेंगे कि ये हाँ ठीक कर रहा है? हमारा देखो जो देश का कानून है वो इसकी इजाजत नहीं देता, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। क्योंकि अगर एक पर्सन दूसरी दूसरी शादी करना चाहता है, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट के साथ उसका डाइवोर्स होना चाहिए, ओनली देन ही विल बी एबल फॉर सेकेंड मैरिज, बट नॉट अदरवाइज। सो सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग सिस्टम जो है उसी के अकॉर्डिंगली मान्यता दी जाती है जस्टिस को। तो सेम इज ट्रू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस विच चेंजेस विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। एनी सिस्टम विच इज जस्ट टूडे कैन इट कैन बी अनजस्ट टूमारो। तो जिसको हम आज के टाइम में जस्टिस बोल रहे हैं या जिसको हम फेयर बोल रहे हैं आज के टाइम में, हो सकता है कल उसको हम जस्टिस ना बोले। आगे हम करेंगे ओरिजिन ऑफ द वर्ड जस्टिस, की जो शब्द है जस्टिस इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये शब्द कहाँ से निकला है। तो लैटिन भाषा है, लातीनी भाषा, उसमें एक शब्द है जस, JUS, जिसका मतलब होता है बॉन्ड और टाई, मतलब संबंध होना, रिश्ता होना। तो जस्टिस भी एक इस तरह की तरीके की प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति का क्लोज रिलेशनशिप दर्शाया जाता है, एंड दिस रिलेशनशिप हैज फ्यू राइट्स एंड ड्यूटीज अटैच टू इट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति का रिश्ता जिसमें उसकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं और साथ ही साथ उसके कुछ अधिकार होते हैं। अगर व्हेन अ मैन व्हाइल एंजॉयिंग हिज राइट्स आल्सो आल्सो फुलफिल हिज ड्यूटीज एंड बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट मैनर विद अदर्स, देन ही इज सेड टू बी डूइंग जस्टिस। अगर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ
जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, जो भी उसकी समाज में ड्यूटीज है उनको अच्छे से मतलब निभा रहा है और दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, तब हम कह सकते हैं ही इज सेड टू बी डूइंग जस्टिस, मतलब वो न्याय कर रहा है अपने समाज के साथ। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि अलग अलग थिंकर्स जो हैं उनके क्या विचार है जस्टिस के बारे में। देखो एक टाइम पीरियड ऐसा भी था कि जस्टिस का मतलब जो हमारे थिंकर्स हैं जिनको हम आज के टाइम में कंसिडर करते हैं जब हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआती दौर में होते हैं, तो उनकी डेफिनेशन अगर आप जस्टिस की सुनोगे तो आप आज के टाइम में उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनके व्यूज भी एक समान नहीं है जब हम बात करते हैं जस्टिस की। सिंपल सा उसका कारण है कि जिसको हम आज जस्टिस बोलते हैं, जिसको हमने आज न्याय का नाम दिया है, आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले उसको जस्टिस नहीं बोला जाता था। और अगर हम बात करें हमारे देश की, भारत की, भारत ने क्या बोला जाता है कि जस्टिस इज इक्वेटेड विद धर्म, तो न्याय को धर्म के साथ जोड़ा जाता है। अगर कुछ हैपनिंग होती है सोसाइटी में, कुछ घटता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो मतलब परमात्मा की मर्जी है ना, मतलब ये बोल दिया जाता है। और कई बार हम बोलते हैं कि आपके पिछले कर्मों का आपके सामने आया है ना, यानी कि आपने जैसे पिछले कर्म किए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका ये वर्तमान जीवन चल रहा है। तो यहाँ पर हम प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स, सॉरी प्लेटो ने बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स नहीं था उसका नाम, बुक का नाम कुछ और था। उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर, वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जस्टिस क्या है, और उन्हीं में से ये जो कैरेक्टर लिए गए हैं थ्रासीमाकस एंड ग्लावकोन। तो पहले वो थ्रासीमाकस से पूछते हैं कि न्याय क्या है, तो वो क्या बोलते हैं थ्रासीमाकस, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल, मतलब जस्टिस का मतलब इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल, जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसके जो हित होते हैं अगर वो पूरे हो रहे हैं मतलब जस्टिस हो रहा है। दूसरा वो पूछते हैं ग्लावकोन से कि जस्टिस क्या है, तो ग्लावकोन बोलते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। ये दूसरी लाइन, ये मतलब बिल्कुल अलग चले जाते हैं कि मतलब जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उसके जो हित होते हैं उनका पूरा होना ही जस्टिस कहलाता है। तो फिर उसके बाद हम प्लेटो से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे डिफाइन करते हैं कि जस्टिस क्या होता है। तो यहाँ पर जस्टिस की परिभाषा देने से पहले प्लेटो गॉड के अकॉर्डिंगली कि जस्टिस क्या होगा उसको डिफाइन करते हैं और उसी के साथ अपनी डेफिनेशन को भी जोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि डिस्चार्ज वन्स ड्यूटी ऑनेस्टली एंड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स एक्शन, मतलब एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से करे और दूसरों के कामकाज में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे, जस्टिस कहलाता है, न्याय कहलाता है, ये मानना है प्लेटो का। फिर आगे अरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये कैसे जस्टिस को परिभाषित करते हैं, ये विश्वास करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अकॉर्डिंगली वो जस्टिस की परिभाषा वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रखते हैं, मतलब सभी को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कि एक व्यक्ति में कैसी काबिलियत है, कैसी उसमें खूबियां हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है, उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो प्लेटो की बुक थी उसका नाम था रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर, इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट किए थे और उनसे पहले वो पूछते हैं कि जस्टिस क्या होगा। वो फिर उसमें थ्रासीमाकस, ग्लावकोन जैसे कैरेक्टर होते हैं, सिफालस जैसे, तो वो डिफाइन करते हैं जस्टिस को। आगे हम ये देखेंगे एक डेफिनेशन, रॉबर्ट सी टकर, आइडिया ऑफ जस्टिस कनोट्स अ राइटफुल बैलेंस इन अ सिचुएशन, मतलब
सिचुएशंस में बैलेंस वेयर टू और मोर पार्टीज और प्रिंसिपल आर इन कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर टू पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज मतलब लोगों की बात की जा रही है आर इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है या जहां पर उनकी इंटरेक्शन होती है। तो सालमन क्या बोलते हैं, जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीबडी हिज शेयर, यानी कि जो जिसका ड्यू बनता है, जो जिसका हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए, इसी को हम जस्टिस बोलते हैं, इसी को हम न्याय बोलते हैं।